फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए समाजवादी सेकुलर मोर्चा के संयोजक शिवपाल यादव ने कमर कस ली है। उन्होंने समाजवादी सेकुलर मोर्चा के 30 जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। रविवार को घोषित किया गया कि फिरोजाबाद में अजीम भाई जिला अध्यक्ष बने। वहीं फिरोजाबाद जनता में काफी खुशी देखने को मिली। जगह जगह अजीम भाई फूलों के हार पहने दिखाई दिए और वहां पर उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया। अजीम भाई ने कहा, आने वाले 2019 लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की जाएगी। युवा संगठन की टीम भी हमारे साथ है। अजीम भाई समाजवादी पार्टी में एक बार विधायक भी रह चुके हैं। अजीम समाजवादी सेकुलर मोर्चा में जी जान से मेहनत करेंगे। मैं अजीम भाई के लिए मेहनत करेंगे, जगह जगह संगठन को मजबूत करेंगे, वोट मांगेंगे अजीम भाई के लिए। अगर जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसमें अजीम भाई के लिए किस तरह की मेहनत की जाएगी? जो अजीम भाई सेकुलर मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने हैं, वो अजीम भाई युवा संगठन उनके साथ हमेशा रहेगा। तन मन धन हर तरीके से मेहनत करेगा। चुनाव में जो भी हम पे जो भी होगा संभव, वो हम करेंगे प्रयास उनके लिए। जगह जगह प्रचार, वोटिंग वोटिंग कार्ड बनवाना पड़ेंगे। जो लोगों के वोटिंग कार्ड नहीं है, वो मैं अपील करता हूँ जिनका आधार में वोटिंग कार्ड नहीं है, वो अपना वोटिंग कार्ड बनवाएं। और युवाओं को मैं दावत देना चाहता हूँ इस संगठन में कि युवा आएँ और इस संगठन में हिस्सा बने और मजबूत करें। जैसे कि अभी हमारे संघ आमिर हसन जी आए विधानसभा अध्यक्ष अल्पसंख्यक के, वो अजीम भाई युवा संगठन से जुड़े हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और आगे के लिए उनके आने से हमारे संगठन में और मजबूती आएगी। अजीम भाई, आज ये जो प्रेस वार्ता रखी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके जरिए समाजवादी सेकुलर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी को धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने फिरोजाबाद ज़िले की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है सेकुलर मोर्चा की। और मैं जो उन्होंने हम लोगों पर विश्वास कायम जाहिर किया है अपना, हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे साथ ही हमारे सभी पुराने जो समाजवादी पार्टी से पीड़ित उपेक्षित लोग हैं, वो सभी लोग एक ताकत बनकर मोर्चे को मजबूत करेंगे। जनपद में मोर्चे का एक वजूद कायम होगा और जनपद फिरोजाबाद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे प्रदेश में लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो प्रदेश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनने जा रहा है। और फिरोजाबाद में जो लोगों का उत्साह है, लोगों में जोश है, वो ये बताता है कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनेगा। देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। समाजवादी सेकुलर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में मोर्चा 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और माननीय नेताजी को मोर्चे ने अपना पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है और बाकी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा मजबूती के साथ।